वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास एट का मैथ एक्सरसाइज 15.1। ये जो है पार्ट टू देखेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। इससे पहले पार्ट वन हम लोग देख चुके थे, उसमें सारा फॉर्मूलाज वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखे थे। अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से आप इसको पार्ट वन को पहले देख लें, ठीक है। उसके बाद ये देखें ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद इसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे, इससे पहले पार्ट वन में हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, बेलन का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि बेलन का ही वक्र पृष्ठी और संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और जो आपका दिया गया है वो गिवन है, ठीक है। इस प्रकार से दिया है, कुछ त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, उसके बाद आपको निकालना है। इसको कैसे निकालना है ये हम आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है, यानी कि इसका पार्ट वन जो था उसमें बताए थे कि बेलन का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आना जरूरी है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख लें, ठीक है। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए तो शुरू कैसे करेंगे, खैर नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम यहाँ पर बतला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, वो क्या होता है, 2πRh। और 2π का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। 22/7 होता है पाई का मान, ये याद रखना है। अगर यदि इसको बराबर लिखा जाए तो 3.14 होता है ऐसे, ये दो मान होता है, ठीक है, 3.14। तो पाई का मान और h का तो ऊंचाई है, ये दिया हुआ चीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को केवल देखना था। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो ये होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πR(h+R), ये दो फॉर्मूला है, उसी से ही क्वेश्चन नंबर थर्ड बनेगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया है, ठीक है, और त्रिज्या को ही आर कहते हैं। तो आपका इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और साथ साथ में एच बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ये दे दिया है दो चीज़। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि कि वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, ठीक है, किसका है, बेलन का है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, हम केवल लिख रहे हैं वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल। ये किसका बना रहे हैं, ब्लू बेलन का बना रहे हैं, तो यहाँ पे बेलन नहीं लिखे हम, ठीक है। उसका होता है जो वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2πRh होता है ये। तो अब यहाँ पे केवल हम लोग को बैठा देना है, 2π का मान कितना होता है, 22/7, और आर बराबर आपका दे दिया है कितना, 7, एच बराबर है कितना, 20। तो ये हम लोग केवल लिख दिए फॉर्मूला से सब कुछ। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो चीज़ ऊपर नीचे अगर यदि कटेगा तो काट देंगे उसको, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये जब कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे बच गया 2 × 22, और ये गुना कितना हो जाएगा, 20। तो इसको गुना करके लिख देंगे हम लोग केवल, तो गुना कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 22 × 2 कितना होगा, 44, और इसको गुना कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल गया क्या आपका, वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल। और इसमें एक चीज़ और निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल भी निकालना है, तो वो भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे अब, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है फॉर्मूला, अभी दोनों फॉर्मूला हम बताए थे आपको क्या होता है, कि 2πR(h+R) ये होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसी पर केवल बैठा देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 है तो 2 रहेगा, पाए का मान कितना होता है, 22/7, और R बराबर आपका दिया है 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, अंदर में है h, h कितना है, 20, और R कितना है, 7, इसको जोड़ना है तो केवल जोड़ देंगे। अब ये भी गुना में है तो गुना कर देंगे। यहाँ देखिए आपका ये 7 और ये 7 कट रहा था, हम काट देते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे काट दिए। अब कितना हो गया, इसको हो जाएगा गुना कर दिए तो 22 × 2 = 44, और ब्रैकेट के बाहर में कुछ नहीं रहता तो गुना में रहता है ना, तो गुना हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 7 = 27, ये हो गया। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इसको गुना करके जो आएगा वो लिख देना है, और वही होगा क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको जब गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 1188 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक है, बेलन का क्या, संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल। इस प्रकार से ही सारा क्वेश्चन इसमें जितना भी दिया है सब बनाना है। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं, इसका बी नंबर में जो दिया है,
देखिए बी नंबर में इसमें दिया, इसमें त्रिज्या दिया है 3.5 मीटर, ऊंचाई दे दिया है 1.4 मीटर। तो क्या दिक्कत है आपको, जो दिया है उसको बनाना है। सिंपल सी बात, जैसे ऊपर में बनाए थे पहला इसका वैसे ही बनाना है इसमें, यानी कि आपको त्रिज्या को आर कहते हैं ना, रेडियस। आर कितना दिया है 3.5 मीटर, और ऊंचाई कहते हैं, एच कहते हैं 1.4 मीटर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं कि वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का, लिख देते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है 2πrh। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 दिखा है, पाए का मान होता है 22/7, और आर जो होता है वो दिया है आपका कितना 3.5, और एच आपका दे दिया है 1.4, ये दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सिर्फ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर नहीं कट रहे हैं, हम पहले काटते हैं, इसको काटने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3.5 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक, और एक अंक के बाद पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 होगा, 10 होगा। अब यहाँ से कटेगा 7 एकम 7, और 7 5 35, ये कट गया, और यहाँ से काटेंगे तो 5 एकम 5, और 5 2 10, ये कट रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा आपका, ये 2 और ये 2 मिल रहे, काट दिए। अब यहाँ पे आपका बच क्या गया, 22 गुना 1.4, तो इसको केवल गुना कर देना है। ठीक है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, आप जब गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30.8, और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ये निकल गया क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अब आपको निकालना है क्या, अब निकालना है बेलन का संपूर्ण, है ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को तो बता चुके हैं, क्या होता है कि 2πr(h+r), ये होता है। तो हम लोगों को केवल यहाँ पे बैठा देना है। ठीक है, तो दे देंगे, है ना, तो हो गया बात। तो यहाँ पे देखिए बराबर हम यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 है तो 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर बराबर आपका दिया है कितना 3.5, और गुना में लिखना है एच प्लस आर, तो एच आपका कितना है 1.4, और प्लस में आर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, ये बात है। तो अब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो मिलेगा कटेगा, काटेंगे नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो 7 एकम 7, और 7 5 35, और ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 2 10, और ये 2 को काट देंगे तो यहाँ पे कट गया, यानी कि यहाँ बाहर में कितना बच गया 22, और ये गुना हो जाएगा अंदर वाला, जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.9, ये हो गया। अब क्या करना है हम लोग को कि इसको अब कर देंगे डायरेक्ट गुना। ठीक है, यानी कि 22 गुना 4.9, तो गुना कर लीजिए आप लोग, वही होगा आंसर 107.8 मीटर का स्क्वायर, ये निकल गया। तो इसी प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, तो ये हो गया बी का। चलिए एक और देख लेते हैं इसका हम लोग अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन सी में क्या दिया, व्यास दिया, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है, व्यास कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर को, यानी कि डी। डी बराबर दे दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी जो दिया है, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पे क्या, आर। तो जो आर निकाल लिएगा, तो आर क्या होता है कि डी को बटे 2 कर देते हैं, यानी कि जो होता है ना व्यास, उसका आधा होता है त्रिज्या। तो डी आपका दिया है 14, इसको 2 से जब काट देंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर। आर कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, और एच पहले से आपको दिया है 15। तो बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2πrh, ये होता है। तो अब केवल हम लोग को बैठा देना है इस फॉर्मूले पे, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। ठीक है, और आर जो है आपका कितना हो गया 7, निकाले हैं काट के। ठीक है, और एच जो है आपका है 15। अब यहाँ से काट देंगे केवल, ये 7 और ये 7 कट गया। अब आपको बचा कितना, यहाँ पे बच गया 2 गुना 22 गुना 15, जो आएगा गुना करके लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो गुना करके हम लिख देते हैं, या फिर एक तरीका है गुना करने का शॉर्ट में, देखिए क्या हो जाएगा कि 15 दूनी कितना होता है 30, और गुना कर देंगे इसको 22 से। तो अब यहाँ से गुना कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, कि 22 दिया कितना होता है
बस ये हो जाएगा आपका कितना 66, तो 66 हो गया और एक जीरो होगा, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये निकल गया। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है सारा, ठीक है। तो उसके बाद आगे फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये निकल गया आपका क्या वक्र पृष्ठ, तो इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होता है इसका, 2πRh×H+R ये होता है। अब केवल बैठा देना है 2×22/7, और R का मान 7 है, और सॉरी यहाँ पे H नहीं होगा, H अंदर में होगा, ठीक है। तो ये हो गया 22/7। उसके बाद यहाँ पे H का मान आपका कितना है, H का मान है 15, R का मान है 7, तो 7 रख देंगे। उसके बाद यहाँ से ये 7 और ये 7 काट दिए। अब यहाँ पे आपका कितना निकल गया, गुना कर देते हम डायरेक्ट, ठीक है। तो 22 दूनी कितना होता है 44, और इसको गुना करेंगे अंदर वाला को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, यानी कि आप 44 को जब 22 से गुना कर देंगे वही आपका होगा आंसर, ठीक है। तो आप गुना करके इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 22 जो कितना होता है 88 का 8, ठीक है। और 22 जो 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा आपका 96, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्या निकला, ये स्क्वायर निकला। तो ये निकल गया संपूर्ण पृष्ठ और ये निकल गया वक्र पृष्ठ। तो ये बात जो है आप लोग को फॉर्मूले पे केवल बैठा देना है, बन जाएगा। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन बनेगा। एक और देखते हैं इसका, अब क्वेश्चन नंबर डी को देखिए। डी में क्या दिया है कि आधार की परिधि 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है कितना आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको पहले बढ़िया से समझिए। ये है क्या, मान लीजिए आपका ये सर्कल है, तो सर्कल होता क्या है, ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग निकालना है ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की परिधि, यानी कि आधार में ये जो है ना, इतना परिधि किसको कहते हैं कि चारों तरफ चक्कर लगाना है ना, तो ये वाला जो गोल का चक्कर है इसको चारों तरफ चक्कर लगाया, वो कितना दे दिया है 88 सेंटीमीटर, है ना। तो ये चीज़ दे दिया है। अब आपको यहाँ से आर का जरूरी है, यानी कि त्रिज्या जरूरी, त्रिज्या तो दिया नहीं, तो उससे पहले हम लोग निकाल लेंगे त्रिज्या, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधार का परिधि, यानी कि ये सर्कल हो गया, एक वृत्त है, और वृत्त का जो परिधि होता है ना वो क्या होता है 2πR, ठीक है, 2πR इतना बराबर दे दिया है कितना आपका 88 सेंटीमीटर, और h बराबर कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए आप चाहे तो इसको यहीं से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। 2πR परिधि इसी को कहते हैं, ठीक है, ये आधार का परिधि 2πR इतना दे दिया, और h ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो आधार का जो होता है परिधि, उसमें से ऊंचाई को केवल गुना कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला में क्या होता है, 2πRh, यही ना होता है। तो देखिए 2πR इतना का वैल्यू 88 पहले से आपको दे दिया, ठीक है, और h केवल इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है 25, तो इसको गुना कर दिया हम केवल। अब गुना जब कर देंगे तो कितना निकल जाएगा इसका आंसर, बहुत ईजिली निकल जाएगा, 25 को आर गुना कर दीजिए 88 से, तो कितना हो जाएगा, 25 को गुना करेंगे तो 25×8 कितना होता है 200 का 0, बाकी आपका 20 बच गया, फिर 25×8 200, और बाकी जो 20 बचा था कितना हो जाएगा 220, है ना। तो इतना निकल गया, और यही क्या होगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, इसका पूरा का निकल गया आपका जाके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। आपको इस तरह अगर नहीं समझ में आता तो एक तरीका और हम बताते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको एक और तरीका, जिसको आप आ करके हम दिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको अब दो कोई दो में से एक ही पढ़ना है आपको, ठीक, दो कोई किसी एक तरीके से बनाइए। जैसे आधार आपका दिया है कि 2πR बराबर कितना दे दिया है 88 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। चलिए हम इसको कहीं साइड में बताते हैं आपको, ठीक है। इसको यहाँ देखिए आप लोग, क्या कि 2πR बराबर कितना दे दिया है 88 सेंटीमीटर दे दिया, तो 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर नहीं पता आपको यहाँ, ठीक है, इस परिधि में R नहीं पता है, तो R का मान R रख दिए, बराबर कितना हो गया 88, ठीक है। इस पूरे को इधर गुना भाग में इसको उधर कर देते हैं हम, केवल क्या करेंगे, उधर कर देंगे, तो यहाँ पे R बराबर रह जाएगा केवल 88 पहले से, ये 2 इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और ये 7 इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा, और ये किधर हो जाएगा 7 यहाँ जाके, सॉरी यहाँ पे 22 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा भाग में, तो 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 चौक और ये चार, और यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दो एक, और यहाँ पे दो, यानी कि आर बराबर आपका कितना निकल गया 14, आर बराबर कितना निकल गया 14। और जब आर बराबर निकल गया तो आप फिर फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में बैठा के दीजिए, फिर निकल जाएगा यानी कि कुल मान आपका इतना निकल जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात आपको याद रखना कि अगर यदि परिधि दिया है आधार का तो परिधि में केवल ऊंचाई को गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, उसका जो निकालना है। उसके बाद अब ये निकल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब निकालना है आपको क्या, संपूर्ण पृष्ठ, है ना, हम यहाँ पर केवल लिख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू एच प्लस आर, केवल इतना ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि 2 हो गया, 2 तो ये 2 हो गया, ठीक है, और 2πr इतना का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना 88, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिए 88, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एच जो है, एच एच भी आपको पता है 25, और आर अभी हम निकाले थे जो, ठीक है, कितना निकाले थे, आर बराबर कितना निकल गया था 14, और वही लिख देना है आपको यहाँ पे 14, ठीक है, तो ऐसे लिख दिए। अब आगे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 88 और ये गुणा हो जाएगा, और अंदर वाला को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 39, और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका जो आएगा वही होगा आंसर। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका 34-32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से बनाना है, इसका एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें भी दिया है आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधार की परिधि, चूंकि आधार की परिधि वाला बात, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसे इसका जो फिगर होगा, ये वाला जो परिधि आपका यहाँ से यहाँ तक का, इसका मान दिया है कितना, इतना। तो आधार की जब परिधि होता है यानी कि वृत्त का परिधि, उसका मान क्या होता है 2πr, कितना बराबर क्या दे दिया है 176। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, और पाए का मान कितना होता है 22/7, और r का नहीं वैल्यू पता है इसमें, तो r का r लिख दिए, बराबर कितना है 176। अब देखिए ये 7 इधर गुना में, तो इधर भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुनाम हो जाएगा, और ये सब क्या है, ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में होगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा सब, है कि नहीं। तो r बराबर केवल छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 176 हो जाएगा, और ये 7 इधर गुना हो जाएगा, और नीचे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे तो आर का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो काट देते हैं इसको, 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे 8 दूनी 16, 1 आ गया उसमें तो 16 हो गया, यानी कि 8 दूनी 16, और इसको पूरे को काटेंगे तो 22 एकम 22, और 22 चौक 32 होता है 88 हो जाएगा, है ना। तो आर बराबर आपका यहाँ कितना निकल गया 7 चौक 28, आर बराबर कितना निकल गया 28 सेंटीमीटर। और आर जब पता हो गया तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि 2πr के जगह हम डायरेक्ट 176 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, या फिर आपको चलिए इसको नहीं समझ में आता है बात तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि 2π का मान 22/7, और r मान कितना निकल गया है 28, ठीक है, और h आपका दिया है कितना 16, काट देते हैं तो 7 एकम 7, और 7 चौक कितना हो गया 28। आप पूरे को गुना कर देंगे यहाँ से, ठीक है, सबको जब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और इसको जब गुना कर देंगे तो 16 चौक कितना होता है 64, और इसको पूरे को अब गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो ये कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 28 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये निकल गया क्या आपका वक्र पृष्ठ, है ना। तो उसके बाद निकालना है आपको यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए आप लिखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये ही होता है। तो बैठा देना है 2 × 22/7 गुने आर बराबर कितना, आर बराबर आपका निकला है 28, तो 28 लिख देंगे, और गुना है तो एच कितना है आपका यहाँ पे, एच है 16, और आर कितना निकाले हैं 28, ये कर देंगे। अब यहाँ पे आपको काटना है तो काट देते हैं 7 एकम 7 7 चौक 28, ठीक है, और इसको गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44 × 4, और इसको जब जोड़ेंगे अंदर वाला को तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 हो गया, और ये हो जाएगा 3 और 1 4 44, ये निकला, और इसको पूरे को जब हम लोग गुना करेंगे तो आपका जो आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप गुना करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा 77 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो था 3 का सारा क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो आपका जो क्वेश्चंस बच रहा है ठीक है, उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है। और इसमें हम लोग केवल क्या देखें, बेलन का पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो हम लोग क्या देखे थे कि घन और घनाभ का ठीक है, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय और ठीक है, जिसको मतलब कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो चीज़ को हम लोग देख लिए थे। तो अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।